ओके एवरीवन जस्ट काम डाउन, मेरे करियर का आखिरी वीडियो नहीं है। बाबा हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 का कल फाइनल एपिसोड रिलीज हो जाएगा मंडे मॉर्निंग, यानी कल 6:30 जियो सिनेमा पर, और फिर न जाने कितने लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। बाय ऑनेस्टली इस बीच मैंने नोटिस किया है कि काफ़ी लोग आफ्टर द गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स इसके लिए सीरियस रहे हैं। लिटरली आई नोटिस लोगों में पागलपन है इस यूनिवर्स को लेकर। आफ्टर द सुपर हीरो यूनिवर्स लाइक मार्वल एंड डीसी, भाई इस यूनिवर्स ने भी बियॉन्ड ऑल दैट अपनी एक फैन फॉलोइंग, अपना एक यूनिवर्स तैयार करा है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई साहब क्लैप फॉर योरसेल्फ, क्योंकि ये मोहब्बत है बाबा, ये वो अधूरा प्यार है जिसके लिए अब हम फिर साल भर तक तड़पेंगे, मचलेंगे और रह रहकर बस यही छानबीन करते रहेंगे कि सीजन 3 आखिर कब आएगा बाबा। तो भाई वैसे तो लीक्स बहुत कुछ आ चुके हैं इस सीरीज से लेकर, बहुत मटेरियल रिलीज हो चुका है, तो लगभग पूरी कहानी प्रिडिक्टेबल हो चुकी है कि बाबा एपिसोड 8 में हमें आखिर मिलने क्या वाला है। तो सरप्राइजेस की उम्मीद करें या नहीं करें, भाई मुझे तो नहीं लग रहा है कि इसमें बहुत कुछ सरप्राइजेस मिलने वाले हैं, लेकिन मेरी शिकायत बाबा मेकर से यही रहेगी कि एंडिंग इतनी बकवास काय को कर रहे हो। एक तरफ एमंड के कैरेक्टर की जो लिखाई तुमने करी है भाई, फुल बैड एस कैरेक्टर, बिल्कुल फियरलेस, दूसरी तरफ उसको लास्ट में बिल्कुल अकेला छोड़ देना, भाई लिटरली इस सीजन का जो मजा बढ़ा के गया है ये वो बंदा है जिसने अपनी एक्टिंग पोटेंशियल से दिल लूटा है सबका, लेकिन एंडिंग साली बायस कर दिया बिल्कुल, क्योंकि लीक से यही पता चल रहा है एलिसेंट जो है ग्रीन्स को धोखा देकर ब्लैक्स के साथ जुड़ने वाली है। ब्लैक्स के फुल आर्मी तैयार हो चुकी है, ड्रैगन्स उसके पास आधे दर्जन से ऊपर आ चुके हैं, क्लेम्ड ड्रैगन, भाई ज्ञान के देवताओं जो आके मुझे टोंक दें कि इतने ड्रैगन नहीं है, मैं सिर्फ क्लेम्ड ड्रैगन की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अनक्लेम्ड ड्रैगन। हाँ ब्लैक्स के पास दर्जन भर ड्रैगन्स हैं लेकिन सिर्फ क्लेम्ड ड्रैगन की बात कर रहा हूँ, फिर से बता दें इतना मटेरियल है कि बाबा ग्रीन्स को ये आसानी से मसल सकते हैं, बिल्कुल आसानी से धज्जियाँ उड़ा सकते हैं। दूसरी तरफ ग्रीन सब जो पहले मन से भी स्ट्रांग हुआ करते थे, बाबा एमंड की आंखों में साफ दिख रहा है कि इसे खुद अपनों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। उधर हेलेना उर्फ अपनी भाभी अपनी सिस्टर से कहता है कि ड्रीम फायर को जंग में उतारो, मेरी मदद करो, लेकिन वो सीधा साफ मना कर रही है अकॉर्डिंग टू लीक्स, जो भाई लीक्स से पता चला है कि एपिसोड 8 में शायद ऐसा ही मिले, फॉर श्योर सियोरिटी नहीं दे पाएंगे भाई साहब इसकी, एंड सॉरी फॉर द स्पॉइलर। तो अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ड्रैगन है ब्लैक्स के पास, वो है वैगार। डेरेन की कोई भाई अभी अता पता है नहीं, हाँ क्लिप्स में दिखाया गया है बट प्रॉमिस एंडिंग में ही करा जा रहा है, तो देखते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं, या फिर एपिसोड के आधे में दिखाया जाए कि डेरेन अपने टेसेरिन ड्रैगन के साथ आए, फिलहाल तो वागार ही सिर्फ दिख रहा है ग्रीन्स की तरफ से। बाकी ब्लैक्स के पास तो आधा दर्जन ड्रैगन है ही है भाई, फिर बता दूं क्लेम्ड ड्रैगन की बात कर रहा हूँ, ज्ञान के देवताओं क्लेम्ड ड्रैगन की बात कर रहा हूँ। और एपिसोड 8 में डैमन ने दोबारा रेनीरा को ज्वाइन कर लिया है विद द पावरफुल आर्मी ऑफ रिवरलैंड, बाकी क्रास्टेस तो उसके पास है ही है भाई लीक्स के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो। तो बाबा अब तुम समझ सकती हो कि कैसे पटक कर मारने वाले हैं ये ग्रीन्स को, मतलब महाभारत का वो अभिमन्यु वाला मोमेंट याद आ रहा है जिसमें कौरवों ने मिलकर एक छोटे बच्चे को हराया था। ये बातें हजम नहीं हो रही, मेकर्स कुछ चेंजेस कर सकते थे ईजली, उस बच्चे को हराने के लिए सारे लोग उसके अगेंस्ट हो चुके हैं, इवन उसकी खुद की माँ भी उसके अगेंस्ट हो चुकी है अकॉर्डिंग टू लीक्स अगर बात करें तो। भाई अगर एपिसोड 8 में ये सब मिल जाएगा तो भाई फिर अलग लेवल का मजा आएगा। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सीधा सीधा ब्लैक्स के झोली में वो जीत डालते हुए नजर आ रहे हैं, भाई पूरा प्रिडिक्टेबल हो चुका है पूरा, जब पूरा मामला ही उन्हें देना था सो कॉल्ड, तो भाई इतने सारा तामझाम की जरूरत ही क्या थी, सीधा ब्लैक्स के हाथ में सीधा सीधा जीत रख देते और क्या। भाई मुझे नहीं लग रहा है कि यह मामला जो है बराबरी का चल रहा है, बिल्कुल वन ऑन वन नहीं, बायस्ड मामला चल रहा है भाई, जिसमें ब्लैक्स पूरा डोमिनेट कर रहे हैं इस टाइम पर, एपिसोड 8 में जो डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। खैर भाई साहब बहुत लोगों का कहना रहता है कि भाई तू ग्रीन और एमंड के ही हाईलाइट क्यों करता है अधिकतर, देखो एवरीवन नोच की सभी साला ब्लैक्स को ही सपोर्ट कर रहे हैं और सिंपथी भी वही लेकर जा रहे हैं, दूसरी तरफ एवरीवन नोच के भाई साहब जीतने वाले भी वही हैं, बिल्कुल वही जीतने वाले हैं, तो उनकी ग्लोरी की गाथा करना वो सब उनके बारे में बताना भाई इन माय विजन इतना कोई फ़ायदा लगता नहीं है। बाकी भाई इतना मटेरियल रिलीज हो चुका है इस सीजन से कि सोचना पड़ रहा है कि साला कल एपिसोड 8 में आखिर हमें क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने को मिल सकता है।
कुछ उम्मीद है नहीं फिलहाल तो। बाकी भाई ये सीजन भी बहुत ढीला रहा है, बिल्कुल एवरेज। अगर कल एपिसोड 8 में कुछ धमाकेदार चीज़ें हमको मिल जाती हैं तो बाबा सीजन 3 के लिए एक अलग एक्साइटमेंट होगी डेफिनेटली। बाकी तुम खुद बताओ सीजन कैसा रहा कैसा नहीं रहा, कितना मजा तुम्हें आया नहीं आया भाई, नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है। बाकी भाई मेरी नज़र में अगर बात करें तो एपिसोड 2 और एपिसोड 3 में फालतू की बकैतियाँ दिखाइयाँ और कुछ नहीं। बाकी भाई आज की वीडियो कुछ खामियाँ कुछ शिकायतों को लेकर थी और बाबा कल के लिए तो एक्साइटमेंट है ही है। आप लोगों को कितनी एक्साइटमेंट है जरूर बता के जाना नीचे कमेंट बॉक्स पर। दूसरा इस सीजन से अगर तुम्हें कुछ शिकायतें हैं और इस सीजन में आपको क्या अच्छा लगा है कैसा एक्सपीरियंस रहा है, जो भी आपके मन में ओपिनियन आपकी राय जो भी आपके विजन के हिसाब से भाई आगे क्या चेंजेस कर सकते हैं और क्या इनको नहीं करना चाहिए था नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना अपनी तरफ से। बाकी एट लास्ट वीडियो खत्म करने से पहले बाबा अगर इससे शिकायत है तो क्या हुआ ये अपनी मोहब्बत भी है और छोटी मोटी शिकायतें तो अपनी मोहब्बत से होती ही रहती हैं। बाकी कल किस किस को कल के लिए वेट है, एपिसोड 8 के लिए वेट है नीचे कमेंट से जरूर बता देना। बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब वीडियो पसंद आई है, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते रहेंगे ऐसी, जय हिंद।